नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो भी लोग धातु रोग, नाइट फॉल, चिपचिपा पानी, शीघ्र पतन, स्पर्म का पतलापन, पाचन तंत्र की कमजोरी, लीवर की कमजोरी, जो भी लोग ऐसी सारी समस्या के लिए दवा खा रहे हैं, मेरे यहाँ से खा रहे हैं या कहीं से भी खा रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़रूरी सोचना, अगर आप लोग जो मैं बताऊँगा उसका पालन करेंगे, परहेज करेंगे, तो फिर आपकी समस्या बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। फिर आप ये नहीं कहने पाएंगे कि मैंने आप यहाँ से दवा लिया और मेरी समस्या नहीं सही हो पाई, या और कहीं से भी आप लोग इलाज करवा रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग पूरा वीडियो को देखें, फिर आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा, अगर उसका आप पालन करते हैं, परहेज करते हैं, तो यह सारी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सबसे बड़ी परहेज मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें, जैसे कि अश्लील मूवी, पिक्चर, बात वगैरह ये सब ना करें, और गलत खान पान ना करें, जैसे कि मांस, मछली, अंडे, तली भुली चीज़ें, अल्कोहल, यह सारी चीज़ों से बचें, और जितनी भी बेसन मैदी की बाहरी चीज़ें बनी रहती हैं वह सारी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि वह सब चीज़ खाएंगे तो आपका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होगा, कब्ज बनेगा, जैसे ही टॉयलेट में जाएंगे थोड़ा सा ही जोड़ लगाएंगे तो धात निकलना चालू हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किए तो आपकी समस्या नहीं सही हो पाएगी, क्योंकि आपका स्पर्म पतला हो जाता है, नसें कमज़ोर हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो जाता है, और शरीर में ताकत अच्छी तरह से नहीं लगता, आपका पाचन सिस्टम, लीवर सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो यह कंडीशन में अगर आप गलत खान पान करेंगे तो पचेगा नहीं और कब्ज रहेगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा। अगर आप लोग यह सारी समस्या का दवा खा रहे हैं तो आप लोग को एक चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना है, जैसे कि त्रिफला एक चूर्ण होता है जो पेट की दवा है, उसको लेने से पेट साफ होता है, लेकिन उसमें विटामिन सी मिलता है जो आपके लिए नुकसान करता है। अगर आपको धात की समस्या है, नाइट फॉल की समस्या है, चिपचिपा पानी की समस्या है, शीघ्र पतन की समस्या है, तो इस कंडीशन में आप लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो विटामिन सी होता है, जैसे उसमें आंवला पड़ता है, आंवला, हरड़, बहेड़ा, तीन चीज़ों से बना रहता है त्रिफला चूर्ण। जब आप आंवले का सेवन करेंगे, खट्टी चीज़ें लेंगे, कोई भी खट्टी चीज़ें लेंगे तो जो आप दवा खाएंगे उसका असर काट देता है। आप नहीं यकीन करेंगे, आप अल्कोहल ले लीजिए और नशा चढ़ जाता है, जब आप थोड़ा सा उसमें खट्टी चीज़ें ले लेंगे, नींबू ले लेंगे या आंवला ले लेंगे, तो है 10 से 5 मिनट के बाद उसका असर काट के निकाल देता है। तो इसी तरह से जब आप खट्टी चीज़ें लेंगे तो वह असर काट देगा और दवाइयाँ आपको नहीं काम करेगा और आपकी समस्या बढ़ भी सकती है। अगर आप लोग गुप्त रोग की दवाइयाँ खा रहे हैं सारी समस्या की, आपने 10 दिन तक दवा खा लिया और 10 दिन आप खाएं, आपको रिजल्ट है, आपका समस्या बंद है, अगर आप उसमें एक बार अगर खट्टी चीज़ों का सेवन कर लेंगे तो उस दिन आपका धात निकलना चालू हो जाएगा, एक बार दो बार जरूर आ जाएगा। अगर आप लोग यह सारी समस्या का इलाज करवा रहे हैं तो खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें, जैसे कि इस बीमारी में जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार के गुप्त रोग की समस्या, जैसे मैंने बताया कि धातु रोग, नाइट फॉल, चिपचिपा पानी, शीघ्र पतन, स्पर्म का पतलापन और पाचन तंत्र की कमजोरी, लीवर की कमजोरी, अगर आप लोग को यह सारी समस्या है तो क्या इस कंडीशन में दूध पीना सही रहता है, पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। जैसे कि आपको अगर यह सारी समस्या चल रही है तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ कि आपको इस कंडीशन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जब आपकी समस्या सही हो जाती है तब आप कर सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है वह बातें शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, कि अगर आप लोग दूध का सेवन करेंगे तो उसमें दवा भी हो सकता है ना काम करे, क्योंकि इसमें पाचन तंत्र, लीवर सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जब आप दूध का सेवन करेंगे थोड़ा सा भारी पड़ता है पचाने में, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो दवा भी नहीं पचेगा और हो सकता है आपको ना काम करे। और थोड़ा सा गर्म होता है तासीर का, दूध पियेंगे रात में हो सकता है नाइट फॉल हो जाएगा और धात भी निकल सकता है। जैसे आपकी समस्या ठीक हो जाती है फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूध का सेवन कर सकते हैं। मेरे यहाँ से जो भी लोगों का इलाज हो रहा है, जो भी लोग यह सारी समस्या से परेशान है, उस कंडीशन में मैं दूध का सेवन नहीं कराता हूं और जो दवा रहता है उसको मैं पानी के साथ खिलाता हूं कि अच्छा रिजल्ट आए और आपको अच्छी तरह से पच जाए, क्योंकि दूध के साथ कोई भी दवा देंगे तो थोड़ा सा भारी पड़ेगा, पचने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं पानी के साथ देता हूं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और अच्छी तरह से रिजल्ट मिलता है, उनकी समस्या ठीक हो जाती है। बहुत लोगों के मन में यह भी सवाल उठता होगा कि दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, दूध तो ताकत देता है और ताकत को बढ़ाता है, यह सब लोग इस्तेमाल करते हैं, दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। तो मैं बताऊँ आप लोग को दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, जैसे कि आपको अगर गुप्त रोग की समस्या है,
जैसे कि मैंने सारा बीमारी बताया, अगर आपको यह सारी समस्या चल रही है उसमें आपका पाचन तंत्र लीवर सिस्टम कमजोर हो जाता है। कोई भी चीज़ खाते हैं तो अच्छी तरह से वह पचता नहीं है, उसका निचोड़ नहीं निकाल पाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपका स्पर्म है वह शरीर की सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है। अगर आपके अंदर स्पर्म अकाउंट कम हो गया है और शुक्राणु नहीं है, इस कंडीशन में आपका पाचन तंत्र सही से नहीं काम करता है, लीवर सिस्टम सही से नहीं काम करता है। इस बीमारी में 95% देखा गया है कि लीवर में गर्मी बढ़ जाती है। अगर आपके लीवर में गर्मी बढ़ गई है तो आप गर्म चीज़ लेंगे तो आपको और नुकसान करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए दूध का सेवन नहीं कराया जाता है। दूध तासीर का गर्म होता है और पचाने में थोड़ा सा भारी होता है, इसलिए दूध का सेवन नहीं कराया जाता है। अगर आप लोग को भी यह सारी समस्या परेशान कर रही है, जैसे कि धातु रोग, नाइट फॉल, चिपचिपा पानी, शीघ्र पतन, स्पर्म का पतलापन, शरीर की कमजोरी, लीवर की कमजोरी, पाचन तंत्र की कमजोरी, नसों की प्रॉब्लम, नसों की कमजोरी और प्रोस्टेट ग्लैंड की कमजोरी, अगर आप लोग यह सारी समस्या से परेशान हैं तो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती है जो आपके बीमारी को कम से कम दिन में ठीक करेगा। चाहे 20 साल की समस्या हो या 30 साल की समस्या है, अगर आप मेरी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो धातु रोग आपका 6 दिन के अंदर बंद हो जाता है। अगर नाइट फॉल की समस्या है तो वह पहले दिन से बंद हो जाता है। चिपचिपा पानी की समस्या है तो हफ्ता दिन 15 दिन लग सकता है अच्छी तरह से बंद होने में। अगर हफ्ता दिन खाएंगे तो आपको 30% 40% रिस्पांस मिल जाएगा चिपचिपा पानी में। अगर शीघ्र पतन की समस्या है तो 15 से 1 महीने के आसपास में आपकी यह सारी समस्या ठीक हो जाएगी। अगर आप 15 दिन महीने दिन लगातार दवा खाते हैं तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड अच्छी तरह से मजबूत हो जाता है और आपकी नसें अच्छी तरह से खुल जाती है, जो अच्छी तरह से ब्लड पास करता है और आपको यह सारी समस्या से छुटकारा जल्दी मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की दी हुई जानकारी आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी वीडियो ऐसा अपलोड होगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना था और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।